और अगर आपने अब तक उज्जैन का महाकाल लोक नहीं देखा है तो जल्द देख लीजिए, वरना अगर बाद में देखेंगे तो उसके लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा। दरअसल इसकी तैयारियां भी की जा रही हैं। शाम 4 से लेकर रात 12 बजे तक महाकाल लोक खोलने पर विचार हो रहा है, लेकिन इस दौरान शुल्क लिया जाएगा। प्रबंध समिति जल्द ही शुल्क लेने का निर्णय ले सकती है। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की मुलाकात के बाद इस पर विचार होगा। महाकाल लोक के मेंटेनेंस के लिए नॉमिनल शुल्क वसूला जाएगा। जानकारी आपको दे दें कि वीकेंड पर और सोमवार को करीब 1.5 से 2 लाख लोग महाकाल लोक को निहारने के लिए, इसकी भव्यता को देखने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में महाकाल लोक का समय शाम 4 से 12 बजे तक रखा जाए और इस दौरान प्रवेश शुल्क लिया जाए, ये तैयारियां की जा रही है। लोक की भव्य सौगात के बाद कहीं ना कहीं अब जिला प्रशासन के सामने प्रस्ताव गया। बीजेपी के तमाम नेताओं ने प्रस्ताव दिया है कि महाकाल लोक पर शुल्क लगना चाहिए, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो बाबा महाकाल के दर्शन करने आते हैं वो महाकाल लोक के रास्ते से ही खूबसूरत नज़ारे को देखते हो, बाबा महाकाल के दरबार में पहुँचते हैं, क्या कहेंगे आप? इसमें मंदिर के दर्शन भगवान के वैसे निःशुल्क होने चाहिए, और ये हमारी सरकार का और जो कंपनी 5 साल के लिए बोला है तो कंपनी को देना चाहिए और वैसे हमारी सरकार को देना चाहिए, और वैसे इसमें जो दान दक्षिणा आती है वो भी मेंटेनेंस शुल्क में ही जाना चाहिए। आपका क्या विचार है? हमारा विचार है कि शुल्क जो अब सरकार चालू करने वाली है वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दार्शनिक स्थल है तो इसमें लोगों को फ्री रहना चाहिए और धर्म के और आस्था के प्रति नुकसान ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इनका भी ये कहना है कि शुल्क नहीं लेना चाहिए। आप भी दर्शन करने आए, सबसे पहले तो दर्शन किए, महाकाल लोक को भी देखा, क्या कहेंगे आप? शुल्क लगना चाहिए क्योंकि उसी से देखो खर्चा निकलता है, साफ सफाई में पूरा खर्चा होता है, सब कुछ होता है, मेंटेनेंस का भी बहुत खर्चा होता है, तो शुल्क लगना चाहिए लेकिन लिमिटेड होना चाहिए, 5 रुपये 10 रुपये जो भी लगे उस नाम से, क्या लोग अननेसेसरी लोग आएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं फालतू के। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे इस पर? शुल्क इसमें देखिए लगना चाहिए, मैं भैया से एकदम सहमत हूँ शुल्क, लेकिन जो चार्जेस जो होते हैं वो मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि मेंटेनेंस भी होता है इसमें, कर्मचारियों की भी सैलरीज होती है, पर वो जो शुल्क होता है वो मिनिमम होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी शुल्क लगा दें, या जो भी है चीज़ें जो बनी है उसका केयर मेंटेनेंस सब चीज़ें मांगती है, इतना खर्चा जब गवर्नमेंट ने किया है तो शुल्क तो होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार कंपनी ने उसको डेवलपमेंट किया, कंपनी ने 5 साल का एग्रीमेंट किया, अगर पूरा मेंटेनेंस के नाम से कंपनी ही पे करेगी तो आखिर साल भर भी नहीं हुआ, अब मेंटेनेंस की क्या जरूरत है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, अगर ये चीज अगर कंपनी के साथ करार में हुआ है तो फिर वो नहीं ले सकते हैं आप, फिर तो वो गलत है। जब जो अपना एग्रीमेंट जो बना है फिर उस चीज में उनको रहना चाहिए, एटलीस्ट 5 साल तो फिर नहीं लगेगा, क्योंकि अभी कोई मेंटेनेंस कुछ है नहीं। श्रद्धालुओं की जो भावना है वो व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार बीजेपी के जो सांसद है, विधायक है, महापौर है, उन्होंने जो कलेक्टर के सामने प्रस्ताव दिया है कि महाकाल लोक में शुल्क लेने की तैयारी की जा रही है, और साथ ही शाम को 4 बजे से रात्रि 12 बजे तक खोलने का भी प्रस्ताव उन्होंने दिया है, इस पर किस प्रकार का निर्णय होगा ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की इससे भावनाओं को आहत पहुंचेगी। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज, उज्जैन।